5.2। तो आज आपने फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पढ़ा था, इससे आगे है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये वन बाय वन हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई, देखो बुक में भी दिया है आपको, ए फ्रैक्शन होज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा, तो वो कौन से फ्रैक्शन होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा तो वो क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ कौन कौन है देखो, ये लेस है डिनोमिनेटर से, 1/2 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/5 यहाँ भी 5 से लेस है न्यूमिनेटर, ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 10/7, 10 क्या है? डिनोमिनेटर से ग्रेटर, तो ये नहीं है। 7/4, ये भी ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 2, ये 2/1 करते हैं, इसको क्या करते हैं? 2/1। लेकिन ये पूरा होल नंबर है बेटा, या होल फ्रैक्शन कह सकते हो आप इसको, इसको नहीं लोगे इसमें। 15/8, इसमें भी ग्रेटर है। 16/16, ये 1/1 के इक्वल होकर लाइक फ्रैक्शन आ जाता है, ये भी नहीं होगा। 10/11, 10/11, 23/9, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हुए जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो। अब उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर क्या होगा? या तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन या फिर उसके इक्वल, दो कंडीशन होगी। न्यूमिनेटर क्या होगा? या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे देखो 3/2 ये नहीं है, 9/4 इम्प्रॉपर, 8/8 देखो मैंने क्या कहा था, या तो डिनोमिनेटर बड़ा हो या इक्वल हो, तो ये इक्वल है तो ये भी होगा हमारा इम्प्रॉपर। ये होल नंबर है, यहाँ भी बड़ा है 27, 16 से, यहाँ ये नहीं होगा, ये भी बड़ा है। उसके बाद 10/13 नहीं होगा, 26/6 ये भी होगा। क्यों? क्योंकि या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो। वैसे अगर सिंपल भाषा में देखते हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाते हैं, लेकिन नहीं आप पूछा जाए तो ये हम करेंगे। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड में कहता है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर 5 के साथ आपको हमारे पास गिवन है डिनोमिनेटर 5, इसके साथ आपको 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 5। तो इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमिनेटर बड़ा होगा ना, तो 6/5, 7/5, 8/5, 11/5, 13/5, ये एग्जांपल होगी। सब में मैंने क्या लिया है? ऊपर वाला बड़ा लिया है ना, तो इम्प्रॉपर में यही कंडीशन है कि जो ऊपर डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट में क्या कहता है फिर? गिवन है न्यूमिनेटर 30, हमें क्या लिखने हैं? राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अब हमारे पास न्यूमिनेटर दिया हुआ है, हमें क्या लिखने हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर हमेशा ही बड़ा होगा ना, तो यहां मैं छोटा लिखूंगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें दिया है। कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। एक और लिखना है 13/7, सब में डिनोमिनेटर लेस लिया मैंने,
अगर मैं 13 से बड़ा ले लेती तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। हमें क्या बनाने हैं? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर कम एंड न्यूमरेटर ज्यादा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, आपको नंबर दिया है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। देखो 5, 5/7 इस तरह के जो फ्रैक्शन है इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड कैसे होते हैं? जो ये आगे का नंबर होता है ये होल नंबर होता है। क्या होता है? ये होल नंबर मीन्स कंप्लीट नंबर, और जो पीछे का होता है ये फ्रैक्शन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है 5, 5/7 कैसे रीड करेंगे? 5, 5/7 इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 5, 5/7 इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये जो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 × 7 फिर प्लस क्या हो जाएगा जो दिया है, और नीचे क्या रहेगा? 7। 5 × 7 = 35 + 4 = 5 = 40/7 ये देखो अपने आप ही इम्प्रॉपर आ जाएगा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इजी है, आपने कल भी पढ़ा था, इससे पहले भी आप ये पढ़ चुकी हो। जैसे मेरे पास दिया 9, 3/8, 8/30 ये एग्जांपल है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर। इसके साथ क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई, और फिर उसमें क्या ऐड कर देना है? 3। और नीचे क्या लिखोगे? ये जो फ्रैक्शन 9 × 72 + 3 = 75 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जैसे इस तरफ क्या करोगे? 13 × 8 + 8 सिंपल से क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं।
11 upon 5 dash 1 dash 6 upon 7. 1 by 2 means half. और ये 1 पूरा. अब 1 बड़ा है या half बड़ा है? यहाँ सीधा सा क्लियर है. कौन बड़ा है? 1. This is the. अब इसको और इसको काटू तो मैं सेम नंबर है ये. अगर इसे काट दूं तो क्या आता है? 1 आता है ना. 1 by 1 वो क्या लिखते हो? 1 ही लिखते हो. तो ये क्या है? उसके बाद यहाँ देखो 1 और ये 6 by 7 यानी कि ये तो पूरा 1 और ये 7 में से 6 पार्ट. 7 में से 6 पार्ट किसी चीज के 7 पार्ट कर दिए उसमें से 6 वो भी कंप्लीट में और ये 1 पूरा. तो ग्रेटर यही होगा. दूसरा तरीका अगर ऐसे ना पता चले. मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 7 1 जा 7 और इसके नीचे मान लेंगे 1 6 जा 6. तो इधर वाला ग्रेटर हो उधर भी 11 upon 5 and 1. अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 तो कंप्लीट है लेकिन ये क्या? आप भूल जाओ. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 11 1 जा 11 and 5 1 जा 5. कौन बड़ा है? 11. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पिछली बार भी सिखाया था. अगर आपको सीधे नहीं समझ आता क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट वन. नेक्स्ट draw number line and locate the following points. अब number line पर draw करने हैं जो आपको दिया. आज भी आपको number line draw करना सिखाया था. अब एक ही line पर सभी points draw करने point करने जैसे one part है 1/4, 1/2, 3/4 and 4/4. मैंने आपको एक बात बताई थी आपको क्या check करना है कि नीचे कितना है 4. कितना है? 4. ठीक है. अब नंबर लाइन लो पॉजिटिव है. 4 पार्ट्स कर 1 2 3 4 5 6 चलो एक आप फालतू 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4. नीचे का नीचे जो होगा अब पहला पॉइंट क्या 1/4 ये है इसको क्या लिखोगे? a 1/2 यहां तो 1/2 नहीं है छोड़ दो. 3/4 ये रहा इसको मैं C पॉइंट दे रही हूँ क्योंकि ये थर्ड नंबर पर है. 4/4 डी. अब 1/2 कहाँ है जो ये 2/4 है बेटा? अगर इसको मैं 2 की टेबल से कट करूँ 2 1 जाए 2 2 2 4 1/2 नहीं आया. तो यही क्या है हमारा 1/2 है और इसको क्या दोगे? B नंबर. ठीक है समझा? बस इतना ही करना है. ये पेंसिल से करना आपको. फिर है जैसे मेरे पास 2/5, 3/5, 4/5 and 8/5. ठीक है. ये नीचे क्या है? 5 नंबर. 1 हमें कितने हैं? बड़े से बड़ा नंबर 8 है. 3 4 5 6 7 8 9 1/5 2/5 हमें नीचे वाले का ख्याल रखना है कि 5 है तो उसी से लेना है. 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 ऊपर बढ़ते चले जाएंगे लेकिन नीचे सेम रहेगा. 8/5 9/5 ओके. फर्स्ट नंबर 2/5 ये रहा. छोटा सर्कल बना दो. 8 3/5 B 4/5 C 8/5 B. इसी तरह आपको ये नंबर लाइन का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके किसी का कोई प्रॉब्लम है तो फिर डिस्कस कर लेना फोन करके.